नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। देश कोरोना से लड़ रहा है, प्रशासन अपने काम में लगा हुआ है, पर कहते हैं ना कि देश चुनौतियों से नहीं चुनौती पैदा करने वालों से परेशान है। और ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई मध्य प्रदेश के धार जिले के टांडा से, जहां एक कपड़ा दुकान में 5 दर्जन ग्राहक यानी 60 ग्राहक मिले। यूं तो ग्राहक दुकानदार के लिए भगवान होता है, पर इस बार दुकानदार के लिए मुसीबत बन गया। कमाल की बात तो ये कि जैसे ही पुलिस के आने की भनक लगी तो ग्राहकों को एक हॉल में बंद कर दिया गया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक दुकानदार ने ग्राहकों को दुकान के अंदर कर शटर लगा दिया था। पुलिस के पहुंचने पर दुकानदार ने शटर नहीं खोला। आधे घंटे बाद शटर खोला तो व्यापारी ने ग्राहकों को कमरे में बंद कर ताला लगा दिया। पुलिस दुकान में घुसी तो कोई भी नहीं मिला। पुलिस भी हैरान थी, लेकिन खबर पक्की थी, इसलिए पुलिस ने दूसरे हॉल का ताला खुलवाया तो देखिए, एक नहीं, दो नहीं, तकरीबन 5 दर्जन ग्राहक बाहर निकले। ये तस्वीर वाकई हैरान करने वाली थी, क्योंकि ग्राहकों की संख्या 60 के आसपास थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी व्यापारी को गिरफ्तार किया, दुकान सील की है। बता दें कि टांडा सदर बाजार स्थित कपड़े की दुकान पर यह कार्रवाई की गई। दरअसल कोरोना पॉजिटिव आने के 15 दिन बाद मैदान में आए थाना प्रभारी विजय वास्केल एक्शन में आए और कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए ये कार्रवाई की गई। टांडा पुलिस बल कोरोना कर्फ्यू का पालन करवाने के लिए बाजार में रवाना हुआ, तभी मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि सदर बाजार स्थित नरेंद्र भाटी स्वयं मास्क न पहनकर वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हुए अपनी दुकान पर 50 से 60 लोगों को दुकान में बैठा कर व्यापार कर रहा है। दुकान पर काफी भीड़ है, वो ग्राहकों ने मास्क नहीं पहना है। ये सूचना पुलिस के लिए काफी थी। अब बारी थी एक्शन की, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में जहां ना मास्क पहना गया हो ना ही सोशल डिस्टेंसिंग हो, तो जाहिर है कि कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो दुकान पर मुखबिर के द्वारा बताए अनुसार व्यापारी व्यापार कर रहा था। दुकान के अंदर 50-60 ग्राहक मौजूद थे। आज मॉर्निंग में सूचना मिली थी कि नरेंद्र भाटी जो कपड़ों के व्यापारी हैं, सदर बाजार में उनकी शॉप है, अपने नरेंद्र भाटी ने उनकी दुकान में कुछ ग्राहकों को अंदर करके शटर वहां पर लगा करके दुकानदारी कर रहे। पुलिस मौके पर पहुंची, पता चला कि वहां पर करीबन 60-70 लोग थे और उन्होंने पुलिस से बचने के लिए एक दूसरे रूम में उनको बंद करा, तो उनको बाहर करवाया और नरेंद्र भाटी को थाने लेकर आया और उनके खिलाफ कायमी की जा रही है। किन किन धारा में प्रकरण दर्ज? प्रकरण भारतीय दंड विधान की धारा 188-270 और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 91 दर्ज किया जा रहा है। वही पुलिस को आता देख कुछ ग्राहक दुकान से भाग गए। पुलिस ने घेराबंदी कर ग्राहक को पकड़ा और पूछताछ की। आरोपी के खिलाफ कई धारा में मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस विभाग द्वारा राजस्व विभाग को बुलाकर दुकान को सील भी करवाया गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि थोड़े से लालच के लिए किस तरह से समाज के लोग ही समाज के दुश्मन बनते जा रहे हैं। अगर उनमें से एक भी कोरोना पॉजिटिव होता तो सोचिए कि स्थिति क्या हो सकती थी। इसलिए बेवजह बाहर न घूमिए, कोविड नियमों का पालन कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। और देश दुनिया की खबर जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वीके न्यूज़। नमस्कार।